तमाम देखने वालों दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मोहब्बतें। आज मैं मौजूद हाँ एक ज़मींदार दे नाल, ज़मींदार भी हैं जबकि उन्हों का जोड़ा ताल्लुक है वो स्प्रे करन दे नाल और पेस्टिसाइड दे नाल है काफ़ी ज़्यादा। साढ़े को इलाके दे विच जितना भी अगर किसी माहिर समझा वैंदा है स्प्रे करन दे मुतालिक या स्प्रे दे मुतालिक जोड़ा तजर्बात रखे वैंदे तो वो ये भाई हैं। अज मैं थोनों इन्हों दे नाल मिलना और जड़ा है ना इन्हों के जितने कोई तजर्बात हैं वो थोड़े नाल इंशाल्लाह ताला शेयर करे स। चूँकि तुम देखते पे हो कि पिछले दो साल तो रस्ट जी है या जिसन सराइकी जबान कुंगी आखा वैंदा है तो वह सारिया फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती पई है। तो देखते हैं कि वह जड़ा है ना उन्होंने तजर्बात के सब तो पहले उन्होंने जोड़ा है वो इंट्रोडक्शन कर सें कि वो कि जात हैं तो कि इलाके उन्होंने तालुक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत भाई, ठीक ठाक भाई। थोड़ा तालुक कि इलाके नाल है? हाँ जी, जिला मियांवाली तहसील पिपला। अच्छा, चेक नंबर 11 में। सही है, थोड़ा बोल सोचा। अच्छा, ते थोड़ा इस फील्ड दे नाल स्प्रे करण दे नाल कितने अरसे तू ताला के जी? जी मेरा 14 साल तू ते लगा। अच्छा, माशाल्लाह 14 साल तू ते। ते पिछले कितने साल तू तुसा दे पे हो कि इस बीमारी जड़ा है ना वो गंदम नु नुकसान देता है? तकरीबन 2 साल तू। अच्छा, 2 साल तू, यानी ये जड़ी है सारे इलाके दे विच भी इफेक्ट करें दे रही है? अच्छा जी, सही हो गया। तो इस दफ़ा इस बीमारी का जरा अटैक है वो किस तरह का है? अटैक है शुरू थी के। अच्छा जी, स्प्रे करना चाहिए। अच्छा जी, यानी तुसा टिलेट का स्प्रे या ये जड़ा इस वास्ते कुंगी वास्ते मुख्तलिफ स्प्रे थी तुसा शुरू कीते हो? जी हां कीते हो। अच्छा, सही हो गया। असा तकरीबन 250-300 एकड़ कर छोड़े। अच्छा जी, 250-300 एकड़ तुसा कीती खलो? कीती खले हां जी। जी भाई, तुसा दे पे हो जिनी दसेंदे पेन के 250-300 एकड़ ताई असा स्प्रे कीती खलोते हैं और मजीद जड़ा है ना स्प्रे वो शुरू है। इस वक्त भी ये भाई और स्प्रे करेंदे वदे हैं ते मैं इन्हां नु रोक गिदा मैं कि यार तुसा कोई मुफीद मालूमात जड़ी है वो सारे नाल शेयर करो। अच्छा जी, ता हुण तुसा ये मैनु दसेसो क्योंकि तजुर्बा तुहाडा बहुत ज्यादा है, मुख्तलिफ कंपनियां आले हैं लोकां नु लुटेंदे पैन गल ही आ रही जी। ते तुसा मेहरबानी करो ये दसो कि केड़ी वो खास दवाई है, केड़ी वो जहर है कि जेड़ी किसान नु खुद इस्तेमाल करनी चाहिए इस दे मुअसर इस नु रोकण वास्ते बीमारी? जी हां, सब तो बेस्ट है जी टिलट। अच्छा जी, संजेंडा कंपनी दी। अच्छा संजेंडा, तुसा उबर सो थोड़े उच्चे। हां जी, सब तो बेस्ट ही है, इदा बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये केड़ी कंपनी दी है सर? संजेंडा कंपनी। संजेंडा कंपनी दी। अच्छा जी हां, टिलट। हां जी हां, टिलट जी जी, सब तो अच्छा रिजल्ट इस दा है। अच्छा जी हां, सही हो गया जी हां। फ्रेंचाइज ओसी दुकान ओसी उस तो टिलेट अवेलेबल है। अच्छा, इस तो इलावा मार्केट दे विच केड़ियां कंपनियां हैं या केड़ी इस तो बाद ऑप्शन केड़ी दा अच्छा है? मुख्तलिफ कंपनियां। अच्छा जी, हां वो करेंदियां कम। सही हो, तरीका कार होना चाहिए बंदे नु, करण दा तरीका होना चाहिए सही बंदे नु, को देख के करनी पोंदी। अच्छा, लेकिन ज्यादा बेस्ट रिजल्ट इस दे। अच्छा, टिलेट दा रिजल्ट बहुत बेस्ट है। अच्छा, ते तुसा ये सानू दसेसो कि अगर ये बीमारी जड़ी है ये हमला आवर थींदी पई होवे क्या उस वेले स्प्रे करना चाहिए है या इस तू पहले इस नू स्प्रे कर देना चाहिए है, इसका बेहतर जड़ा टाइम है वक्त है वो केड़ा है? इसका जी फरवरी का आगाज थी वे ना जी। अच्छा जी, स्प्रे करना शुरू कर दे चाहिए, यानी टिलेट का स्प्रे ऐसा रस्ट वास्ते कुंगी वास्ते स्प्रे शुरू कर दे तो सा नेक्स्ट कर दे। अच्छा, ये ना देखो भी बीमारी नहीं आती, बीमारी आमनी है। सही है, ये बड़ी अच्छी गल दोस्तों सामने आई है कि असले असल अक्सर किसान जड़े हैं वो इस चीज़ की इंतजार रहा कि बीमारी लग सी, अगर लग सी सानू नजर आसी तो असा स्प्रे शुरू कर सें, लेकिन भाई और इतने अरसे का तजर्बा दसेंदे पैन ये आते पैन कि तुसा इस चीज़ की इंतजार न करो कि बीमारी लगी है या भाई नहीं लगी। वो जिसले अखीर होंगी समझो कैंसर का लास्ट स्टेज। हाँ, उस टाइम बिल्कुल फायदा ही कोनी करने का, वो आप नुकसान है जी। मतलब बाद तुसा स्प्रे करे सो भी सही तो उसका इतना असर ना हो, नहीं तो असर ना हो सी, वो नुकसान है। अच्छा, तुसा इसको पहले करो, पहले करो। अच्छा भाई, एक और गल है, लोग आते हैं भाई कई बंदा के कोलू मैं सुना कि यार ये कुछ नहीं पीता है बीमारी लग में दी है कोई मसला ही कोई, लेकिन तुम आज ये दसो सानू कि क्या ये अगर अटैक कर वेंदी है किसी गंदम के उ तो इसका पैदावार के उ कितना ही असर है?
ਇਹਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਏਕੜ 'ਚ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 5 ਬੋਰੀ ਸੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਖਾਵਣ ਦੀ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਠੀਕ ਨਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ 'ਚ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ 'ਚ ਰਤੜ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਏ ਭਰਾ ਖੱਲੇ ਨੇ कणक खावन काबिल अपनी कणक वेची है जी बेया बंदे को मूल खीन के कणक अपने इस्तेमाल हूँ जो बंदे पिछले साल नहीं की थी या उस पिछले साल नहीं की थी ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਨ ਸਾਡੀ ਦੋ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇ ਵਤ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਈਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਬਈ ਅਸਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੇਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਜੈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟ ਆਈ 19 ਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ 2300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਵੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਾਈ ਇਹ ਇਲਟ ਤੇ ਇਜ਼ਾਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਬੋਰੀ ਏਕੜਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਵੰਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲੇ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇਲੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਗਿੰਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ